गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं आपको रूबी लेज़र के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम रूबी लेज़र के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि रूबी लेज़र क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। रूबी लेज़र का चित्र आपको यहाँ दिखाया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको रूबी क्रिस्टल को समझाने जा रही हूँ। यहाँ जो आपको गुलाबी रंग का एक सिलेंड्रिकल शेप का एक रॉड नज़र आ रही है, जिसे कि हम रूबी रॉड कहते हैं। वास्तविकता में यह एक Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्रिस्टल होता है, जिसमें 0.05% में क्रोमियम आयन की इम्प्योरिटी मिलाई गई होती है। इम्प्योरिटी डालने के पीछे क्या मकसद होता है? इम्प्योरिटी डालने से ही हमें लेज़र के लिए एक्टिव मीडियम मिलता है। रूबी रॉड का रंग गुलाबी क्रोमियम आयन की वजह से ही होता है। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि हमने सर्वप्रथम एक रूबी रॉड ले रखी है, जिसका एक सिरा 100% रिफ्लेक्टिव मिरर की तरह कार्य करता है, क्योंकि इस सिरे पर सिल्वर की पॉलिश की हुई होती है और यह सिरा पूरी तरह से एक कांच की तरह कार्य करता है और आने वाली तरंगों को पूरी तरह से परावर्तित करता है। और इसका दूसरा सिरा आप देख रहे हैं 95% रिफ्लेक्टिव मिरर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यह आंशिक परावर्तित है। सिल्वर पॉलिश इस प्रकार की जाती है कि यह 95% तो रिफ्लेक्टिव होती है तथा 5% ट्रांसमिशन भी होता है, यानी इसमें 5% वेव्स ट्रांसमिट भी हो सकती हैं। तो इस रूबी रॉड के ऊपर एक हमने हेलिकल शेप में फ्लैश लैंप लगा रखा होता है, एक ट्यूब होती है जिसे डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता है। ज़िनॉन गैस इसमें फिल्ड होती है, ज़िनॉन गैस डिस्चार्ज ट्यूब होती है जो कि फ्लैश यानी एक लाइट उत्पन्न करने का कार्य करती है। इसको एक पावर सप्लाई से जोड़ा हुआ होता है। हर मिली सेकेंड में यह एक फ्लैश लाइट प्रोवाइड करती है, इस कारण इसे ऑप्टिकल पंपिंग करने का सोर्स कहा जाता है। यह ऑप्टिकल पंपिंग कराने में मदद करती है। और इस पूरी असेंबली को, रूबी रॉड को और जिसके ऊपर ये विसर्जन नली होती है, ये पूरी असेंबली को एक कांच की ग्लास ट्यूब में रखा जाता है सिलेंड्रिकल शेप की, जिसको रिफ्लेक्टिव सिलेंडर कहा जाता है। तो अब ये आपने इसका अच्छे से कंस्ट्रक्शन समझ लिया है। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। उससे पहले मैं आपको रूबी क्रिस्टल के बारे में थोड़ा सा बताने जा रही हूँ कि इसमें जो हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो क्रिस्टल लिया है, जिसमें क्रोमियम आयन एज ए इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं, यह क्रिस्टल अल्ट्रा वायलेट रेंज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, साथ ही ग्रीन ब्लू कलर की लाइट को भी, इस लाइट कलर की वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब करता है। चूँकि विसर्जन नलिका जो लाइट उत्पन्न करती है, जो फ्लैश उत्पन्न करती है, वो विजिबल रेंज का होता है, अतः यह ब्लू व ग्रीन कलर की वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है तथा रेड कलर की वेवलेंथ को यह एब्जॉर्ब नहीं करता। उनके लिए यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, यानी वो वेवलेंथ की रेडिएशंस, रेड कलर की वेवलेंथ की रेडिएशंस आसानी से इस क्रिस्टल में से पार होके निकल सकती हैं। अब हमने रूबी रॉड के बारे में अच्छे से जान लिया है, इसकी विशेषताएं हमने जान ली हैं। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे कि यह रूबी क्रिस्टल किस प्रकार से कार्य करता है और हमको लेज़र लाइट मिलती है। रूबी क्रिस्टल चूँकि ठोस होता है, इसलिए इस लेज़र को सॉलिड लेज़र भी कहा जाता है। यह थ्री एनर्जी लेवल सिस्टम होता है। इसके अंदर आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रखा है। सबसे नीचे ग्राउंड लेवल है, उसके ऊपर आपको यहाँ हमने एक्साइटेड
एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं 2 और 3 पॉइंट पर। जब ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा फ्लैश उत्पन्न होता है तो यह फ्लैश रूबी रॉड पे जाके गिरता है, जहां क्रोमियम के आयन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। यदि क्रोमियम आयन ग्रीन लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो 2 लेवल के एनर्जी बैंड में चले जाते हैं, और यदि क्रोमियम आयन ब्लू लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं तो 3 लेवल के एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। चूंकि ये एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा समय के लिए नहीं रह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनका स्टेबल टाइम ज़्यादा नहीं होता है, 10^-8 सेकंड होता है, तो इनके लाइफ बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम होने के कारण यह है स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा एक मेटास्टेबल स्टेट, जो एनर्जी लेवल 2 के नीचे आपको रेड कलर से दिखाई हुई है, इसमें आ जाते हैं और एनर्जी रिलीज करके एक्साइटेड एनर्जी स्टेट से मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में इनका लाइफ टाइम 10^-3 सेकंड होता है, जबकि एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में इनका लाइफ टाइम 10^-8 सेकंड था। अतः हम देख रहे हैं कि मेटास्टेबल स्टेट में एक्साइटेड स्टेट की तुलना में 10^5 गुना ज़्यादा लाइफ टाइम होता है, अतः ये इलेक्ट्रॉन मेटास्टेबल स्टेट में ठहर जाते हैं। और जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं डिफरेंस अमाउंट की, वो एनर्जी क्रोमियम आयन वह एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट से पुनः एनर्जी रिलीज़ करके मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है, और मेटास्टेबल स्टेट में लाइफ टाइम ज़्यादा होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल स्टेट में बढ़ते जाते हैं। क्रोमियम आयन बार बार एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल में आते हैं और वहाँ ठहर जाते हैं, और इस प्रकार मेटास्टेबल एक स्टेट ऐसी आती है जिस समय मेटास्टेबल स्टेट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा हो जाते हैं। इस कंडीशन को पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन कहते हैं, और हम जानते हैं कि यह असेंशियल है लेज़र एक्शन के प्रोडक्शन में। तो जैसे ही पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आती है, उस समय स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं, और रेड कलर की वेवलेंथ के बराबर का रेडिएशन या फोटोन एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसकी वेवलेंथ 6,943 एंगस्ट्रॉम होती है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए यह ज़रूरी कंडीशन है कि मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट की तुलना में ज़्यादा हो, तभी ये स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। तो हम देख रहे हैं कि क्रोमियम आयन मेटास्टेबल स्टेट में इकट्ठे होते चले जाते हैं, और जब इनकी संख्या ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाती है तो स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा ये रेड कलर की वेवलेंथ के इक्वल फोटोन एमिट करते हुए वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और पुनः यह चक्र चलता रहता है। ऑप्टिकल पंपिंग के द्वारा इन्हें ऊर्जा मिलती जाती है, और क्रोमियम आयन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में पहुंचते हैं, फिर वहां से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन के द्वारा ये मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, और पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन फुलफिल होने पर यह मेटास्टेबल स्टेट से स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा पुनः ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और सेम फोटोन
कोहरेंट फोटोन निकालते हैं रेड कलर की वेवलेंथ के इक्वल 6943 एंगस्ट्रॉम का। तो इस तरह से लेज़र एक्शन स्टार्ट हो जाता है, एक फोटोन अन्य फोटोन को एक्साइट करता है पंपिंग के द्वारा, और इस तरह से लेज़र एक्शन में हमें बहुत सारे फोटोन्स एक ही डायरेक्शन में मिलने लगते हैं। सेम फोटोन यानी सेम से मतलब आइडेंटिकल फोटोन जिनका फेस, जिनकी इंटेंसिटी, जिनकी वेलोसिटी, जिनका एम्पलीट्यूड सब कुछ सेम हो, तो इस तरह के फोटोन्स की संख्या बढ़ती जाती है और बहुत ज़्यादा कोहरेंट फोटोन्स इकट्ठे होने पर वो एक लेज़र बीम का रूप ले लेते हैं। और जो मिरर का रूबी लेज़र का जो 95% रिफ्लेक्टिव मिरर होता है उसमें से ये लाइट लेज़र लाइट बाहर आने लगती है। इस प्रकार हमें रूबी लेज़र से रेड कलर की लेज़र बीम मिलती है जिसकी वेवलेंथ 6943 एंगस्ट्रॉम होती है। धन्यवाद।